ठीक है, वेलकम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑनलाइन क्लास 8. ठीक है, आई एम योर इंग्लिश टीचर, आई एम मिस सना मारिया. ठीक है, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज विथ यू. स्टूडेंट्स थिंक फॉर अ मूवमेंट अबाउट फ्रेंडशिप एंड योर फ्रेंड्स. ठीक है, आपने मुझे फ्रेंडशिप के बारे में और फ्रेंड्स के बारे में बताना है. व्हाट इज फ्रेंडशिप एंड अबाउट योर फ्रेंड्स. ठीक है, सोचे इसके बारे में, फ्रेंडशिप क्या है और फ्रेंड्स आपके लिए क्या अहमियत रखते हैं. ठीक है, यू हैव जस्ट वन मिनट, थिंक इट एंड देन गिव मी द आंसर. इसके बारे में सोचे, थिंक अ मूवमेंट अबाउट फ्रेंडशिप एंड योर फ्रेंड्स. अपने फ्रेंड्स के बारे में और फ्रेंडशिप के बारे में बताएं कि क्या है आपकी नज़र में. फिर उसके बाद पहले एक क्वेश्चन का आंसर दें, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पे जाएंगे. यस बेटा, चलिए बताएं व्हाट इज फ्रेंडशिप. फ्रेंडशिप क्या होती है बताएं. देयर आर 8 स्टूडेंट एंड नोबडी गिव द आंसर. 8 नहीं है, 10 स्टूडेंट्स हो चुके हैं हमारे पास. 10 स्टूडेंट्स नाउ दे आर ऑनलाइन एंड यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग. टेल मी बेटा, व्हाट इज फ्रेंडशिप. फ्रेंडशिप क्या है, दोस्ती है, क्या है, जो भी है बताएं. दोस्ती है. हाँ दोस्ती है, और क्या है. अगर आप लोग के साथ आपके फ्रेंड्स ना हो तो आप लोग की लाइफ किस तरह की होगी. बुरी होगी. ठीक है, हाउ इम्पोर्टेंट आर योर फ्रेंड्स. आपके फ्रेंड्स आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं. बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है, जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है, फ्रेंडशिप से रिलेटेड ही है. ठीक है, फ्रेंड्स आपके लिए बहुत अहमियत रखते हैं. ठीक है, अगर आपकी लाइफ में फ्रेंड ना हो तो आपकी लाइफ क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगी. ठीक है, बोरिंग हो जाएगी. यस ठीक है, आप लोग बहुत बोर फील करेंगे. आप लोग के आपके फ्रेंड से कॉन्टेक्ट वगैरह नहीं होगा, फ्रेंड से बातचीत वगैरह नहीं करेंगे. ठीक है, तो अभी हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. जो आज का जो हमारा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर फ्रेंडशिप. हमारे जो चैप्टर का नेम है वो है फ्रेंडशिप. ठीक है, वी स्टार्ट आवर चैप्टर विद द quotation. एक quotation है हमारे पास जिससे हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर. एंड एन ओल्ड फ्रेंड इज बेटर देन टू न्यू फ्रेंड. मतलब जो एक फ्रेंड है, एक पुराना दोस्त है, वो बेटर देन है कि न्यू दोस्तों से. हमारा एक पुराना दोस्त ज्यादा अच्छा है कि हम लोग न्यू दो दोस्त बनाए, उससे अच्छा कि हमारा एक पुराना दोस्त ही हो. ठीक है, ये एक एक रशियन प्रोवर्ब है. वो कहते हैं कि एक दोस्त बेहतर है बनिस्बत के आप दो नए दोस्त बनाते हैं. तो चीजें मैं आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि इंग्लिश की क्लास है, तो आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुनना है और इसको समझने की कोशिश करनी है, और आपसे फिर मैंने पूछना भी है. ठीक है, ऑलमोस्ट एवरीवन फील द नीड ऑफ फ्रेंड्स. हर किसी को नीड होती है फ्रेंड्स की. ऑल्सो सम ऑफ मेक फ्रेंड्स मोर इजिली देन अदर. कुछ लोग जो है वो बहुत इजिली फ्रेंड बना लेते हैं, और कुछ जो है वो कुछ के जो बने हुए होते हैं बचपन से, वो उन्हीं के साथ खुश होते हैं, वो उन्हीं के साथ उन्हीं को अपना फ्रेंड्स रखते हैं, वो न्यू फ्रेंड्स नहीं बनाते. सम ऑफ अस मेक फ्रेंड्स इन चाइल्डहुड एंड स्टे फ्रेंड्स ऑन द रेस्ट ऑफ अदर लिव्स. सम ऑफ द क्रूअल आर फ्रेंड्स एंड कॉन्स्टेंटली मेकिंग न्यू फ्रेंड्स. Some of what about you? Do you think that friendship just happen, or do certain factor determine? ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या है कि फ्रेंडशिप जो है वो हर किसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, अगर हमारे फ्रेंड्स नहीं होंगे तो हम लोग बोर हो जाएंगे. कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बचपन में फ्रेंड्स बनाते हैं और वो उनके उसी के साथ वो पूरी जिंदगी अपनी स्पेंड करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब अपने फ्रेंड्स बनाते हैं, उनके
साथ वो इतने झगड़े वगैरह करते हैं कि फिर उनको दोबारा उनको और फिर वो बिल्कुल फ्रेंड्स बनाने की तरफ आ जाते हैं कि हर बार वो न्यू फ्रेंड्स बना रहे होते हैं, क्योंकि उनकी इस तरह की बातचीत वगैरह होती है कि वो अपने फ्रेंड से लड़ाई झगड़ा करते हैं और फिर कॉन्स्टेंटली दे आर मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, फिर वो बार बार वो अपने न्यू फ्रेंड्स बना रहे होते हैं. What about you? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? Do you think the friendship just happen or do certain factor determine with whom we will become friends? What do you think make people become friends rather than just acquaintance? मतलब के आप लोग क्या सोचते हैं कि लोगों को दोस्त बनाना ज्यादा easy है या सिर्फ उनसे ताल्लुक रखना जरूरी होता है? तो हम लोग इजीली बात वगैरह कर सकते हैं तो ज्यादा प्रॉब्लम वगैरह नहीं होती. ये तो थी हमारे पास एक कोटेशन, एक प्रोवर्ब थी जिससे हमने अपने चैप्टर को स्टार्ट किया था. ये मैंने आपको एक्सप्लेन की, वन ओल्ड फ्रेंड इज बेटर देन टू न्यू फ्रेंड्स. ठीक है, ये हमारे पास एक रशियन प्रोवर्ब थी. रशियन के जो रशिया के जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं कि वो लोग जल्दी न्यू फ्रेंड्स नहीं बनाते, वो लोगों पे इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करते, वो न्यू फ्रेंड्स को नहीं बनाते. ये अभी मुझे आवाज अरसलान का मैसेज आया कि आवाज नहीं आ रही. बेटा आप अपने पास से वॉल्यूम चेक करें. बेस आपके माइक म्यूट कर दें, आवाज नहीं आ रही है. अच्छा बेटा म्यूट कर दूंगी तो फिर मुझे क्वेश्चन करना होगा तो फिर मुझे प्रॉब्लम होगी. आप लोग खुद अपने पास से म्यूट कर लें या आवाज कम कर लें. जैसे मैं क्वेश्चन करूं तो फिर मुझे प्रॉब्लम होगी, आप लोग को आंसर देने में प्रॉब्लम हो जाएगा. मिस आवाज नहीं आ रही. आप लोग अपने अपने माइक ऑफ कर लें, खुद से सब अपने माइक ऑफ कर लें. आप लोगों के घरों में इतना शोर हो रहा है, आप लोग आपस में बातें कर रहे हैं, पीछे से सबकी आवाज आ रही. मैंने शुरू में ही आप लोगों को बताया था कि आप लोग अपने आवाजें, आप लोग की आवाजें नहीं आनी चाहिए, आवाजें आएंगी तो डिस्टर्बेंस होगी. अब आ रही है सबको आवाज? यस. ठीक है, सबको आ रही है? यस यस यस. ठीक है, अब हमारे पास एक फिलोसोफर है, एन एक्शन ग्रीक फिलोसोफर है. ठीक है, फ्रॉम द निक्टोमेनिया एथिक्स एंड बाय एस्ट्रोलॉड. ठीक है, अब ये फ्रेंडशिप के बारे में हमें क्या कहते हैं? फ्रेंडशिप, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ फ्रेंडशिप. कितनी काइंड्स की फ्रेंडशिप है? There have been many different theories. हमारे पास फ्रेंडशिप के हवाले से बहुत ज्यादा डिफरेंट थ्योरीज हैं. ठीक है, जिनके बारे में हम लोग देखेंगे और इसके अंदर क्या है. फॉलोइंग द एक्सट्रैक्ट्स बाय अ फिलोसोफर, ये जो हमारे पास फिलोसोफर हु लिव्ड फ्रॉम 384 BC टू 322, मोर देन 23 ईयर अगो. ये 23 ईयर अगो पहले की बात है. ही सेड द फ्रेंडशिप हैज थ्री कंपोनेंट. फ्रेंडशिप के जो है थ्री कंपोनेंट्स हैं. फ्रेंडशिप के जो थ्री कंपोनेंट्स है, फ्रेंडशिप मस्ट एंजॉय ईच अदर कंपनी. ठीक है, फ्रेंड जो है वो एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हैं. दे मस्ट बी यूजफुल टू वन अनदर, ये एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं. एंड दे मस्ट शेयर अ कॉमन कमिटमेंट टू द गुड. मतलब ये इनका क्या कमिटमेंट होता है कि एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना है. ठीक है, द कंटेम्पररी सोसाइटी we tend to define friendship in terms of the first component to define these more useful relationship as something else. But what about the idea of shared commitment to the good? गुड से क्या, गुड कमिटमेंट से क्या क्या मतलब है कि फ्रेंडशिप को हमने बहुत अच्छे तरीके से जो हम लोग एक अपनी दोस्ती को निभाते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखना,
एक अच्छी फ्रेंडशिप होती है. फ्रेंड्स मस्ट इंजॉय ईच अदर कंपनी, के फ्रेंड्स जो है वो एक दूसरे की कंपनी को इंजॉय करें. अब ये जो ग्रीक फिलोसोफर है ये फ्रेंडशिप के बारे में इन्होंने हमको बताया, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ फ्रेंडशिप. फ्रेंडशिप की जो है वो थ्री काइंड्स हैं, ठीक है. फर्स्ट क्या है, फ्रेंडशिप इज बेस्ड ऑन यूटिलिटी. अब ये फर्स्ट उसकी काइंड है कि फ्रेंडशिप इज बेस्ड ऑन यूटिलिटी. Who wants to read this? कौन रीड करेगा इसको? Who wants to read this? बेटा आप लोगों में से कौन ये रीड करेगा इसको? रीड कर लूं? Yes, yes. I need your participation. जी स्टार्ट करें, जिसने भी रीड करना स्टार्ट कीजिए. Utility is an important thing. It changes according to circumstances. Friendships of this kind seems to occur most frequently among those who are pursuing their own advantages. Such persons do not spend much time together because sometimes they do not even like one another and therefore feel no need of such an association unless they are mutually useful. So with the disappearance of the grounds for friendship, the friendships also breaks up, because that was what kept it alive, for they take pleasure in each other's company only in so far as they have hopes of advantages from it. ठीक है, और कोई रीड करना चाहेगा आप लोगों में से? बेटा और कौन रीड करना चाहेगा इसको? मिस मी. हाँ जी स्टार्ट करिए बेटा. Such persons spend much time there on advantage. Much time together because sometimes they do not even like another and feel no need of such an association because they are mutually useful. So with the disappearance of the grounds for friendship, the friendship also breaks up because that is what he ali. Either in each other's company only of बेटा आप लोगों में से किसी को ये अंडरस्टैंडिंग हुई कि इसके अंदर क्या बताया गया है? कुछ आप लोग को इससे अंडरस्टैंड हो रहा है? तो किसी को कुछ समझ आ रहा है तो मैसेज शेयर करें. मैं तो एक्सप्लेन करूंगी, पहले आप लोगों से पूछूं कि आप लोग को इसमें से क्या अंडरस्टैंडिंग समझ आ रही है. मैसेज में ये है कि बहुत से लोग होते हैं जो फ्रेंडशिप ज्यादा टाइम के लिए नहीं रखते, जल्दी लड़ झगड़ जाते, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, सारी मतलब ब्रेकअप कर लेते हैं. वेरी गुड, बहुत अच्छे से बता रही हैं आप. गुड गुड तराशा. एनीबॉडी मोर? बॉयज आप में से किसी की आवाज नहीं आ रही, आप लोग भी क्लास में अटेंशन दे दें. ठीक है, ठीक है. अब ये जो हमारे पास जो फ्रेंडशिप है, ये यूटिलिटी फ्रेंडशिप जो है हमारे पास अफादियत पर मबनी दोस्ती मीन्स कि ये अफादियत पर मबनी होती है, एक एक मुस्तकिल टाइम के लिए नहीं होती. ये जिसमें लिखा हुआ है फ्रेंडशिप इज दिस फ्रेंडशिप. बेटा आप अपने पास से चेक करें, मेरे पास से आवाज जा रही है. मेरे पास अच्छी आ रही है फ्रेंडशिप ऑफ दिस काइंड सीम्स टू अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली अमंग दोस्त हु आर पर्सुइंग
देयर ओन एडवांटेज. ठीक है, कुछ लोग जो है वो एडवांटेज के लिए सिर्फ दोस्ती रखते हैं कि इस तरह की दोस्ती उन लोगों में पाई जाती है जो अपने मफाद के लिए दोस्ती करते हैं. ऐसे अफराद ज्यादातर इकट्ठे नहीं रह सकते क्योंकि वो एक दूसरे के साथ वक्त एक्सपेंड नहीं कर सकते, दूसरे के साथ टाइम एक्सपेंड नहीं कर सकते थे. इस वजह से उनमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स वगैरह आ जाती है. वो एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं. ठीक है, और इसके अंदर यही बताया गया कि वो एक दूसरे से लड़ाई वगैरह करते हैं क्योंकि यही चीज कि वो दे आर नॉट फ्रेंड आल्सो ब्रेकअप बिकॉज दे आर was what keep it alive. क्योंकि वो एक दूसरे के साथ रहने नहीं चाहते, वो फाइट वगैरह करते हैं. फॉर दे टेक प्लेजर इन ईच अदर कंपनी. वो एक दूसरे के साथ खुश नहीं होते. ठीक है, वो एक दूसरे के साथ हैप्पी नहीं होते एंड दे आर नॉट हैप्पी विद ईच अदर. इस पैराग्राफ में हमें यही बताया गया है, एक दूसरे की सोबत में वो खुशी महसूस नहीं करते क्योंकि उन्हें एक दूसरे से फायदा उठाने की उम्मीद होती है. ठीक है, क्योंकि वो इसमें बताया गया ना कि वो एडवांटेज के लिए फ्रेंडशिप होती है. द फ्रेंडशिप इज बेस्ड ऑन यूटिलिटी. कि जो फ्रेंडशिप जो अफादियत में मबनी होती है, जो एक मुफाद के लिए फ्रेंडशिप होती है. ठीक है, अब हम उसकी सेकेंड काइंड पे आएंगे. The second kind, friendship based on pleasure. What is the meaning of pleasure? Pleasure mean क्या होता है? मजा. Pleasure mean? क्या कहा बेटा? बेटा pleasure mean होता है खुशी. ठीक है, pleasure ना. Friendship based on pleasure. ठीक है, जो खुशी होती है हमकी. ये second friendship की जो based है वो pleasure पे है. कौन read करेगा इसको? Who wants to read this? वैसे इतनी आवाजें आ रही होती है रीडिंग का, बोलती हूँ तो कोई आवाज नहीं आ रही होती है. बेटा रीड करें इसको. Who wants to read this? Miss me. जी जी बेटा करिए. Friendship between young people is thought to be grounded on pleasure because they share interest in their own pleasure and the opportunity of the moment as the air go by. However, they seem to so that they are quick to make and break friendship because their affection change just as the thing that these them do. That is why they fall in and out of friendship, changing their attitude often within the same day. ठीक है बेटा, आप लोग इतनी देर से आ रहे हैं. अभी तक मैं आप लोगों को एडमिट कर रही हूँ, टाइम पे ऑनलाइन हो जाया करें. ठीक है, जो हमारे पास ये वाली बेस्ड है फ्रेंडशिप बेस्ड ऑन प्लेजर. ठीक है, ये हमारे जो दोस्त फ्रेंडशिप जो है वो किस पे बेस करती है? खुशी पे बेस करती है. ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया, यंग पीपल, फ्रेंडशिप बिटवीन यंग पीपल इज थॉट टू बी ग्राउंडेड ऑन प्लेजर. ठीक है, जो यंग पीपल होते हैं वो अपनी फ्रेंडशिप के अंदर बहुत ज्यादा खुशी को जो वो एक बेस बनाया वो होता है उन्होंने, बिकॉज उनमें सबसे बड़ी दिलचस्पी उनकी अपनी जो खुशी होती है वो होती है, उनका जो अपना इंटरेस्ट होता है वो होती है, वो उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं. ठीक है, उसके बाद है एज द ईयर अगो बाय ओवर देयर. जैसे जैसे टाइम चेंज होता है हमारे टेस्ट में चेंज आता है, हमारा जो हमारे टेस्ट में चेंज आता है, इसी तरह हमारे और भी बिहेवियर होते हैं जिनमें चेंज होता है. सो दैट दे आर क्विकली टू मेक एंड ब्रेक फ्रेंडशिप. कुछ लोग जो होते हैं वो उसको तोड़ देते हैं फ्रेंडशिप को, और उनमें जो होता है जैसे उनका टेस्ट वगैरह चेंज हो जाता है तो इसलिए वो फ्रेंडशिप भी वो अपनी उनकी फ्रेंडशिप भी वो तोड़ लेते हैं. उनका फ्रेंडशिप का भी जो टेस्ट, सिंपल वर्डिंग में ये कह सकते हैं कि उनका फ्रेंडशिप का भी जो वो टेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है. क्योंकि सिंपल वर्डिंग में कहते हैं कि उनका उनका टेस्ट चेंज हो जाता है जिस तरह वो उनके साथ खुश नहीं होते. ठीक है, यही वजह है कि वो दोस्ती को जल्दी से तोड़ देते हैं. इसमें लिखा हुआ है दैट इज व्हाई दे फॉल इन एंड आउट ऑफ फ्रेंडशिप क्विकली. वो फ्रेंडशिप के अंदर जो फ्रेंडशिप के अंदर गिर जाते हैं, या समझ ले सिंपल वर्डिंग में कहते हैं कि वो फ्रेंडशिप तोड़ लेते हैं. ठीक है, और वो अपना इस रवैये का चेंज देयर एटीट्यूड ऑफन द सेम डे. और अभी वो अपना रवैया जो है वो चेंज कर लेते हैं. दे चेंज देयर एटीट्यूड विद सेम डेज. वो अपना जो एटीट्यूड होता है
को चेंज कर लेते हैं. कोई और रीड करना चाहेगा ये फ्रेंडशिप बेस्ड ऑन प्लेजर? यस हाँ यस रीड कीजिए. Hamza, you want to read? ठीक है, next slide पे आते हैं. कोई read करना चाहता है इसको तो नहीं तो next slide पे चले. अब हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड जो है, परफेक्ट फ्रेंडशिप इज बेस्ड ऑन गुडनेस. किस पे बेस्ड होती है परफेक्ट फ्रेंडशिप? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडनेस? हर किसी के साथ अच्छा बिहेवियर रखने पर. वेरी गुड, परफेक्ट आंसर. परफेक्ट फ्रेंडशिप इज बेस्ड ऑन गुडनेस, मतलब हम लोगों ने अच्छे तरीके से. ये माइक ऑफ करे, कौन बातें कर रहा है? मैं ऑफ कर दूंगी तो फिर सबके ऑफ हो जाएंगे, फिर आप लोगों के बीच में बातें नहीं हो पाएंगी. ये जो डिस्कशन कर रही हूँ ये हो नहीं पाएगी. डिस्कशन मैं आपसे कर रही हूँ इसलिए आप लोग अपने जो पास माइक ऑन ही रखें, लेकिन शोर नहीं करें. ये परफेक्ट फ्रेंडशिप इज बेस्ड ऑन गुडनेस. ठीक है, हमारे जो अच्छी दोस्ती होती है वो गुडनेस पे बेस करती है. हू वॉन्ट्स टू रीड दिस? बेटा कौन रीड करेगा इसको? सारा आज तराशा नहीं रीडिंग करना है. कोई और ऑनलाइन नहीं है क्लास में? और नहीं किसी ने नाम लेके फिर मैं बोलूं सबको? मैं जी करिए. I don't know. What you don't know? मेरा of who similar in their goodness is perfect. For these people, each are like very good for other, and they are. बेटा आवाज सही नहीं आ रही. अपने माइक को हैंड फ्री को थोड़ा आगे करके रखिए. आवाज नहीं आ रही सही. And they are good themselves, and it is good. The good of dear friends for the friends are most different because each of the other for what he is and into that people out in the head. ठीक है, और कौन रीड करेगा? आवाज क्लियरली नहीं आई थी. I read this. Okay. Yes. जी करिए. Only the perfect other and they it is those who मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही. बेटा मैं रीड नहीं कर रही, एक स्टूडेंट रीड कर रहा है. आप लोग गौर से सुने. बेटा आप लोगों के पास बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, अपने पास इतना शोर तो नहीं करें. क्या दो बड़ी वेडिंग